हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही जो है हमारा ये चैनल बना है और आज जो है हम लोग सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले जो है मैं कुछ इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, कल ही जो है हमारा चैनल बना था और कुछ शरारती तत्व जो हैं हमारे चैनल को रिपोर्ट कर दिए थे, तो उससे जो है खैर कुछ हुआ नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आएगा। जो भी वीडियो डाला जाएगा हमारे माध्यम से, जो भी नॉलेज दिया जाएगा, उम्मीद कीजिए कि हम लोग जो है अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और हर चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन आपको सही तरीके से मिलेगी। तो जितने भी शरारती तत्व हैं और जितने भी ज्वलनशील लोग हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि अगर कोई अपने बिहार आरा का नाम रोशन करना चाहता है, तो आप कितना भी अगर आप साइड से ताकत लगा लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो है, चलिए हम लोग जो है अपने वापस टॉपिक पे आते हैं और चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, और अगर हम SSC की सिलेबस पढ़ते हैं तो वहाँ भी जो है ट्रिग्नोमेट्री है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, पहला जो ट्री है मतलब TRIG, इसका मतलब होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल जो है ऑलरेडी हम लोग जो है क्लास 9th में, क्लास 6 मतलब क्लास 5th से जो है ना अबव जितने भी क्लासेज हैं वहाँ पे ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है मेनली हम लोग राइट एंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जितना भी ट्रिग्नोमेट्री है ना वो सारा का सारा जो है राइट एंगल के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके सामने एक फिगर बनाते हैं और इसमें पता करते हैं कि कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेनस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम दिया ABC। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रायंगल ABC के अंदर जो है B पे जो है आपका 90 डिग्री है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसमें बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, तो आप जो है नीचे वाले को बेस कहेंगे, आप इसको क्या कहेंगे, बेस। बेस का मतलब जो होता है वो आधार, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी ट्रायंगल जिस लाइन पे बना हुआ है उसको हम बेस कहते हैं। यानी यहाँ पे बेस जो है आपका BC हो गया। उसके बाद जो है नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इस लाइन की AB की, तो AB क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम हम कह सकते हैं कि ये हाइट भी इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, हाइट, और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं और बेस को जो है B से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं AC पे। AC जो है आपका क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस जो है अगर हम बात करते हैं, जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट C है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है ना ये बेस और परपेंडिकुलर के बारे में जो है नीचे क्लासेज में पढ़ते आए कि हाँ ये नीचे है तो बेस और ये है परपेंडिकुलर। लेकिन क्लास 10th में जो है इसका थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाएगा, तो उस अलग चीज़ को हम जानते हैं क्या होगा। जैसे आपसे पूछा गया कि अगर यहाँ पे ये एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है तो ये बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, अगर इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो आपका AB क्या हो जाएगा, वहाँ के लिए बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और आपका हाइपोटेनस हमेशा हर केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसीलिए हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एंगल यहाँ बनता है तो बेस आपका ये होगा, और एंगल यहाँ बनता है तो बेस आपका ये होगा, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर इधर और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका नीचे की तरफ होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये सारी जो है बेसिक चीज़ें थी, इसके बारे में जो हमने आपको बताया। अब चलते हैं जो है हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज़ छूट गया था, इसको बता देते हैं। इसको जो है हाइपोटेनस को S से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग क्लास 8 के अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसके बारे में जो है हम लोग अभी जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर इसका वैल्यू आता है। यानी हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के लेंथ के बराबर उसकी वैल्यू आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि जब आप
टेंथ क्लास में ही चैप्टर पढ़ रहे होंगे ट्रायंगल चैप्टर, तो वहाँ पे जो है आपका सामना पाइथागोरस थ्योरम से हुआ होगा। तो उस चीज़ को जो है हम लोग यहाँ पे भी थोड़ा सा शुरू में जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे हमने ट्राई के बारे में तो बात कर लिया, यहाँ पे मेट्री। अब देखिए मेट्री का मतलब ये है कि उसमें अगर जितने भी अलग अलग रेशियोज होते हैं, यानी हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जो सिक्स रेशियोज के बारे में बात करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इन सब के बारे में जो है बात करने वाले हैं उसी को हम लोग मेट्री काउंट करते हैं। मेट्री का मतलब जो है काउंटिंग बोल सकते हैं, या फिर किसी चीज दो चीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो वो मेट्री कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है वो जो सिक्स रेशियोज हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है साइन थीटा है, साइन थीटा का जो वैल्यू अगर इसके अनुसार देखा जाए तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो रेशियो हम निकालेंगे साइन थीटा क्या है, मैंने किसी दो साइड का रेशियो है। जैसे ट्रायंगल है ना आपका, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें जो दिया हुआ है इस दो साइड का रेशियो हम यहाँ बताते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इस साइन थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। अब देखिए उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स कॉस थीटा जो है ये बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। किसका होता है, बेस और हाइपोटेनस का। उसके बाद जो है आपका तीसरा नंबर पे आता है टैन थीटा। तो टैन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, और इसका एक यहाँ से फॉर्मूला ही बन सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों हुआ बताते हैं, देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं पी अपॉन एच और कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हैं बी अपॉन एच, देखिए यहाँ से एच एच कट गया तो क्या बच गया, पी अपॉन बी। यानी हम टैन थीटा का फॉर्मूला भी एक यहाँ से निकाल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्टूडेंट्स उसके बाद जो है अभी आते हैं कॉट थीटा के ऊपर। कॉट थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने तीन पॉइंट लिख दिया और यहाँ पे चौथा लिख देता हूँ मैं, तो चौथा यहाँ पे क्या होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो वैल्यू है टेन थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी टेन थीटा जो है पी बाई बी है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बी बाई पी, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे प्रूव करके इसको दिखाया था उसी तरीके से आप इसको भी यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है पांचवें नंबर पे सेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक थीटा जो है ये मेनली कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ पे जो है ना हम लिख सकते हैं इसको एच अपॉन बी, या यहाँ पे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स एक और आपका बच जाता है जो कि कॉसेक थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं एच अपॉन पी, और ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए आज का जो ये वीडियो है मेनली इस वीडियो के अंदर जो है ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात किया है, और कुछ इसका जो इंट्रो बेसिक पार्ट था उसके बारे में डिस्कशन किया था, और हम लोग अपने अगले वीडियो में जो है जितनी भी इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और वहाँ से हम लोग समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ फॉर्मूला करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।